वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी वाईफाई स्ट्री चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय भाग दो। ठीक है, इससे पहले भाग वन आपके सामने आ चुका है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में हमने बिल्कुल ट्रिपल सी क्लास के लिए एकदम बेसिक से पढ़ाने का प्रयास किया है। जो लोग अभी नए हैं या जिन लोगों ने अभी फॉर्म को अप्लाई किया है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और निश्चित ही आप लोग ट्रिपल सी को आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। कंटिन्यू वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि जो भी इधर से वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंप्यूटर विकास का इतिहास। ठीक है, तो कंप्यूटर विकास के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे कैसे कंप्यूटर हमारे सामने आए, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं अबेकस। ठीक है, अबेकस का जो विकास हुआ है 16वीं शताब्दी में हुआ है। आविष्कारक किसके हैं? ली काई चेन। ठीक है, तो अबेकस का जो आविष्कार किया गया था ली काई चेन के द्वारा किया गया था जो कि चीन के थे। ठीक है, तो ये चीन के थे। समय था 16वीं शताब्दी। विशेषताएँ क्या थीं? सबसे पहला एवं सरल यंत्र। ठीक है, सबसे पहला एवं सरल यंत्र अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। 36 तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। ठीक है, इसमें कुछ तार होते थे 36। ठीक है, इस टाइप से कुछ तार होते थे और इसमें गोलाकार मोती हुआ करते थे। ठीक है, इन्हीं से गणना की जाती थी। अनुप्रयोग जो था इसका जोड़ने व घटाने के लिए प्रयोग होता था। वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखना है इसका जो समय था वो 16वीं शताब्दी में था। आविष्कारक ली काई चेन थे और अबेकस एक आविष्कार किया गया था सबसे पहला। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद था नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स जो आविष्कार हुआ ये जॉन नेपियर स्कॉटलैंड के थे, इन्होंने किया था। ठीक है, जॉन नेपियर। समय था 1617 ईस्वी के दौरान इसका आविष्कार किया गया था। इसकी विशेषताएं थीं, ये जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थीं। 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। और इसका जो अनुप्रयोग था गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्वक की जा सकती थी। गणात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। ठीक है, तो नेपियर्स बोन्स किसने आविष्कार किया था? जॉन नेपियर ने। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। समय क्या था? 1617 ईस्वी। ठीक है, अगला आविष्कार जो हुआ है वो स्लाइड रूल का हुआ था। स्लाइड रूल विलियम ऑटरेड जर्मनी के थे। 1620 में इसका आविष्कार किया गया था। इसकी विशेषताएं थीं, इसमें दो विशेष प्रकार की चिन्हित पट्टियां होती थीं जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे करके लघुगणक की क्रिया संपन्न होती थी। ठीक है, या लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था। ठीक है, तो स्लाइड रूल विलियम ऑटरेड जर्मनी के थे। 1620 में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, अगला आविष्कार देखते हैं पास्कलाइन। पास्कलाइन आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल फ्रांस के। 1642 का समय था और विशेषताएं इसकी थी यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन है। यह मशीन आडो मीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायलर होते थे जिन्हें 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थीं। ठीक है, तो उन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित होती थीं। ओके, संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो पास्कलाइन का जो यूज होता था संख्याओं को जोड़ने में घटाने में होता था। ठीक है, अगला आविष्कार देख लेते हैं लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। इसके बाद आया था लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर। आविष्कारक थे गोटफ्रेड बॉर्न लेबनीज के। ठीक है, और गोटफ्रेड बॉर्न लेबनीज जर्मनी के थे। उसके बाद समय जो था 1671। समय 1671। विशेषताएं, इस मशीन को लेबनीज की रिकॉग्निंग मशीन भी कहा जाता था। यह मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग करने में भी समर्थ थी।
कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो लैबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर 1671 में आया था। अगला जो आविष्कार है, जैकार्ड्स लूम। जैकार्ड्स लूम जो था, जोसेफ मेरी जैकार्ड, जो कि फ्रांस के थे, जोसेफ मेरी जैकार्ड, 1801 में इसका आविष्कार किया गया था। यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। यह प्रथम मैकेनिकल लूम था। ठीक है, और इसका प्रयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग जो था वो कपड़ा बुनाई के लिए होता था। अगला जो आविष्कार है, डिफरेंस इंजन। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार था डिफरेंस इंजन, जो कि चार्ल्स बैबेज इंग्लैंड के थे, इन्होंने किया था 1822 ईस्वी में। ठीक है, और इस मशीन में सॉफ्ट तथा गियर लगे होते थे। ये मशीन भाप से चलती थी। इस मशीन की सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक ज्ञात किया जा सकता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेलवे विभागों में किया जाता था। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ? 1822 में हुआ। ठीक है, किसने किया? चार्ल्स बैबेज ने किया। अगला आविष्कार हुआ एनालिटिकल इंजन। इसका भी आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया और 1833 में। ठीक है, इस मशीन के 5 मुख्य भाग थे, इनपुट इकाई, स्टोर, मिल, आउटपुट इकाई। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटर का शुरुआती प्रारूप माना जाता था। यह एक मैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, यह एक मैकेनिकल मशीन थी। इसका प्रयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। ठीक है, इसके बाद में टैबुलेटिंग मशीन। हरमन होलरिथ, जो कि अमेरिका के थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था 1899 में। ठीक है, 1899 में। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों के द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जा सकता था। वर्ष 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस हो गया था। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस हो गया था इसका नाम वर्ष 1924 में। ठीक है, इसका प्रयोग 1890 ईस्वी में जनगणना में किया गया था। इसके बाद जो अगला आविष्कार था, मार्क वन, हार्वर्ड आइकन, जो कि अमेरिका के थे। ठीक है, 1944 में ये विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। डेटा मैनुअल रूप से इंटर किया जाता था। भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था। ठीक है, तो मार्क वन का आविष्कार 1944 में हुआ, हार्वर्ड आइकन, जो कि अमेरिका के थे। उसके बाद में एनियक, हार्वर्ड आइकन, अमेरिका के थे, इन्होंने ही किया था 1944 में। ठीक है, और ये 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजन है। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों, इंजीनियर्स, रिसर्च एसोसिएशन और IBM में किया गया था। ठीक है, और एनियक का जो पूरा नाम है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसका आपको फुल नेम याद रखना है। इसके बाद अगला जो आविष्कार हुआ, एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आविष्कारक थे जॉन बॉन न्यूमैन, जो कि अमेरिका के थे। समय 1950। विशेषताएं, या 30 टन बड़ा, 150 फीट चौड़ा कंप्यूटर था। इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था। ठीक है, उसके बाद अगला जो आविष्कार हुआ था, यूनिबैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली, इन्होंने किया था, जो कि अमेरिका के थे। समय 1951। और यह इनपुट व आउटपुट की समस्याओं को शीघ्रतापूर्वक हल करता था। ये सामान्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह मैग्नेटिक टैप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था। इसका प्रयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो देखते रहिए आप CCC वाईफाई स्ट्रीट चैनल को, और यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो CCC की आती रहेंगी। आपकी कंप्लीट तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। ठीक है, थैंक यू।